नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार के सिमरिया घाट पर इन दिनों साहित्य, अध्यात्म और सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस महाकुंभ का आयोजन मुरारी बापू और उनके संस्था के द्वारा किया गया है। मुरारी बापू वही मुरारी बापू हैं जो देश विदेश में घूम घूम कर रामायण की और रामकथा सुनाते हैं, रामकथा पर प्रवचन देते हैं। जी हाँ, लेकिन ये पूरा आयोजन आजकल मीडिया के सुर्खियों में है और विवादों में घिर गया है। विवादों में घिरने का कारण यह है कि जिस तरीके से इस आयोजन के पीछे या इस आयोजन में राजसी ठाट दिखाया गया है, इसके कारण इस पर सवाल उठने लगे। देश विदेश में राम कथा कहने वाले मुरारी बापू पर सवाल उठने लगे। कारण है उनका राजसी ठाट बाट में उनका रहन सहन। एक श्रोता और अध्यात्म सांस्कृतिक तथा सनातन के जानकार मोकामा निवासी राम श्राय सिंह ने उनके संत स्वरूप को नकारते हुए ये सवाल उठाया है कि संतों का जीवन संत स्वरूप ही होना चाहिए, ना राजा महाराजाओं की तरह। बापू शुद्ध व्यापारी हैं, 50 लाख रुपया उनका प्रत्येक कार्यक्रम का कीमत है। अभी कीमत है उनका। हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। संत हैं तो संतों को पैसे की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुरारी बापू पहले राम के चरित्र को खुद में ढाले और शब्दों का ज्ञान प्राप्त करें। अगर किसी को राम कथा कहनी है तो उसके लिए तुलसीदास का जीवन अपनाएं, ना कि 50 लाख रुपए का मोटी रकम लें। तुलसीदास जी की तरह लिखें बोलें, लेकिन ये तो तमाशा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के सिमरिया घाट पर इन दिनों साहित्य, सांस्कृतिक और अध्यात्म के नाम से एक भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है। कहा जा रहा है कि इस आयोजन के पीछे लगभग 100 करोड़ से अधिक की लागत से टेंट और पंडाल बनाए गए हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से मुरारी बापू राम कथावाचक मुरारी बापू की एंट्री होती है एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और जिस तरीके से इस पंडाल में वीवीआईपी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, उससे कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठने लगे। वहीं दूसरे पक्ष को लें तो कई लोग इस भव्य आयोजन के पक्ष में भी हैं, तो कई लोग इस राजसी ठाट बाट, जो मुरारी बापू जी का जो राजसी ठाट बाट है उसके पीछे उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, कई लोग इसके समर्थन भी कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे और भी कोई लेटेस्ट न्यूज अपडेट हम तक पहुंचती है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।